okay, it's so good to begin with a goof up. Let me reintroduce myself. My name is Kriti Raj. I'm an IAS officer by profession. And I absolutely, absolutely love my job and the life I've created. Also, talking about what I do beyond my job, I love to read, write, talk, tell stories, listen to them, paint, dance. So you pretty much know I'm everywhere on that spectrum. And today I'm here to not just to talk to you all, but to talk to the younger version of me, Kyra. That's my nickname and that's how I talk to myself in my own head. So we'll stick to the OG Kyra. And I'd like to take you back to this night 5 years ago, where this little girl is pacing up and down in her room with her headphones on, full volume pe listening to TED Talks on loop, while tears are streaming down her cheeks. Logon ka breakdown hota hai, but main shatter hoti hu. I shatter into a zillion pieces. Aur by God, us din mera dil toota tha. So me standing here delivering this TED Talk is giving it back to the TED universe. And thank you to Kyra for not giving up on herself and her dreams. Rockstar ka wo scene yaad hai, jab Jordan Khatana bhai ko bolta hai, mujhe ye sab kuch nahi chahiye, mujhe nahi banna bada, mera dil nahi tootna chahiye Khatana bhai, mera dil nahi tootna chahiye. सेम पोजिशन थी मेरी उस रात को. आई वाज लाइक मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए. आई हैव पोर्ड माय हार्ट एंड सोल इनटू दिस फॉर 5 years, एवरी डे कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिवरेंस, सब कुछ डाल के इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की थी. एंड इट डिडंट हैपन. आई लॉस्ट माय प्रीलिम्स बाय अ वेरी नैरो मार्जिन एंड दैट ब्रोक मी. बिकॉज यूपीएससी इज नॉट जस्ट एन एग्जाम वेर यू हैव टू स्टडी फॉर इट. You have to give up so much in those years. आप अपने prime years, अपने 20s में अपनी family, friendships, relationships, outings, clubbing, partying, सब कुछ भूल के सिर्फ एक सपने में शिद्दत से लग जाते हैं. उस point of time पे लग रहा था कि अगर ये एक चीज सही हो गई ना तो बाकी सब सही हो जाएगा. And guess what? मेरा दिल टूटा और जार जार टूटा. And I had to live with it. I had to accept it. Because जब छोटे शहरों में कोई लड़की इतने बड़े सपने देखती है तो there's an ecosystem that tries to convince her that you're overstepping your boundaries. इतना allowed नहीं है. Field job लड़कियों के लिए थोड़ी होती है. सब IAS थोड़ी बन जाते हैं. अरे देखा है कितनी कैची की तरह जुबान चलाती है. ज्यादा तेज होना भी अच्छा नहीं होता. हाँ, तुम्हें गोल रोटी बनाना भी नहीं आता अब तक. ऑल ऑफ दिस एंड मेनी सच ब्ला 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 थिंग्स मेड मी फील इनएडिक्वेट. और हमेशा से ऐसा नहीं था. ग्रोइंग अप आई वॉज ऑलवेज अकेडमिकली स्कोरिंग गुड ग्रेड्स. आई वॉज टीचर्स पेट. रिश्तेदारों, नेबर्स, फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फैमिली, सबकी फेवरेट. आई वॉज वेरी लव्ड एंड वेरी पॉपुलर. सो एक्सटर्नल वैलिडेशन केम टू मी वेरी नेचुरली. तो अब यहां से ऑल ऑफ अ सडन यहां पे मैं कब गिर गई मुझे पता ही नहीं चला. ऐसा लगा कि लाइफ में पता नहीं क्या हो गया है. व्हाट हैज चेंज, वेयर डिड आई गो रॉन्ग. इट वॉजंट जस्ट अबाउट फेलिंग द एग्जाम. इट फेल्ट लाइक फेलिंग माई सेल्फ एंड फेलिंग दी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस. और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस क्या ही थी मुझसे. आई हैड टू बी स्लिम, फेयर, टॉल एंड गुड एट हाउस होल्ड चोर्स. एक स्मॉल टाउन गर्ल से इतना ही एक्सपेक्टेड होता है. एक इतना छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें मुझे फिट इन होना था. एंड वॉट डिड आई डू, आई कुडंट फिट इन दैट. आई फेल्ड एट इट बिकॉज दैट वॉज very suffocating to my own self-worth.
सो इनस्टेड आई चोज टू स्मैश द वॉल्स ऑफ दैट बॉक्स एंड दैट डिड नॉट गो वेल विद अ लॉट ऑफ पीपल. सो उस दिन उस रात वो दिल टूटना जरूरी था, मेरा टूटना जरूरी था, बिकॉज अगर वो ओल्डर वर्जन ऑफ कायरा नहीं टूटा होता तो आज जो ये आपके सामने है वो कभी जन्म ही नहीं लेता. दैट डे आई लर्नड इट्स ओके टू डिसअपॉइंट पीपल, इट्स ओके टू फाइंड योर ओन वॉइस अमंगस्ट ऑल ऑफ दिस नॉइज, इट्स ओके टू टेक अप स्पेस, देयर इज इनफ स्पेस फॉर ऑल ऑफ अस इन द रूम, कुछ भी टू मच नहीं होता. ऑल्सो ग्रोइंग अप आई रियलाइज ये जो हमें बोला जाता है चार लोग क्या कहेंगे, उस माइंडसेट से निकलना बहुत ज़रूरी होता है. और मेरे फेलियर्स में बार बार उन चार लोगों को डिसअपॉइंट करके मैंने सीख लिया था कि भाई ये जो विजन ये जो ड्रीम है ये मेरा है, मुझे इसे देखना है, आई हैव टू बी वेरी क्लियर हेयर अबाउट वॉट आई एम गोइंग टू क्रिएट. ये उन चार लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं. सो अगर मैं उन चार लोगों को समझ नहीं आती हूँ दैट्स ओके, इट्स नॉट देयर जॉब एंड इट्स नॉट माई जॉब टू कन्विंस देम. सो टू कोप अप विद दैट प्रेशर बींग डेलुलु वॉज माई ओनली सोलुलु. देन केम द नेक्स्ट बिग हर्डल. अ बिग थिंग दैट आई हैड टू अनलर्न इन दिस जर्नी वॉज परफेक्शनिज्म. जब मैं स्कूल कॉलेजेस में थी आई वॉज दिस टिपिकल टॉपर टाइप्स गर्ल, और अगर 99.5 भी आते थे 100 में तो मैं टीचर के सर पे जाके खड़ी हो जाती थी एंड आई यूज टू बॉम्बार्ड हर विद ऑल दीज क्वेश्चंस कि मैम ये 0.5 मार्क्स भी क्यों कटे हैं, हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन आई गेट बेटर, वॉट डिड आई डू रॉन्ग. एंड इट वॉज नेवर रियली अबाउट द मार्क्स. मुझे भी पता था कि वो 99.5 राउंड ऑफ होके 100 ही चढ़ेगा रिपोर्ट कार्ड पे. इट वॉज दिस कॉन्स्टेंट अर्ज एंड क्वेस्ट कि आई हैव टू गेट बेटर, आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई हैव टू इवॉल्व एंड ग्रो फ्रॉम वट एवर आई एम टूडे. एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट ऑब्सेशन, बिकॉज उसके बिना मैं वो नहीं होती जो मैं आज हूं. आई हैव ऑलवेज पोर्ट माई हार्ट एंड सोल इन टू वट एवर आई डिड फुल शिद्दत के साथ. और उसमें क्या होता है ना कि एवरी टाइम यू अटेम्प्ट समथिंग यू आर एसोसिएटिंग योर ओन सेल्फ वर्थ विद इट एंड मेनी अ टाइम्स इट वोंट गो राइट. वी ऑल मेस अप फ्रॉम सम टाइम टू अदर्स एंड एवरी टाइम आई फील दैट समथिंग माई हार्ट विल ब्रेक. सो सीरीज में वो इतने हार्ट ब्रेक्स झेले हैं मैंने कि आई गॉट बेटर एट हैंडलिंग हार्ट ब्रेक्स. नाउ आई हैव अ मैकेनिज्म, वेन एवर माई हार्ट ब्रेक्स आई नो आई हैव टू सिट विद दैट पेन, आई हैव टू फील दैट इमोशन and let that emotion pass through every cell of my body, learn from it, converse with it, don't avoid it. And sometimes I do channelize it in my art, I paint, I write poems, I write songs, and I'll do all sort of crazy things that you guys often see on Instagram. But then heartbreak se ek bahut badi cheez jo maine seekhi hai ki heartbreaks ke sath ek perspective shift hota hai. हर हार्ट ब्रेक पे जब आप ज़र्रा ज़र्रा टूट जाते हैं और आपको खुद को फिर से जोड़ना पड़ता है, एक अपॉर्चुनिटी खुद को प्रेजेंट करती है, एन अपॉर्चुनिटी टू प्लेस द पीसेस डिफरेंटली दिस टाइम, टू बिल्ड बैक बेटर, एक स्ट्रॉन्गर वाइजर स्मार्टर वर्जन, टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स, बी एन आउटलियर, आउटग्रो योर इकोसिस्टम. एंड ऑनेस्टली ये जो जेन ज़ी में मेन कैरेक्टर एनर्जी में रहने का जो ट्रेंड चल रहा है एंड एवरीवन इज एडवोकेटिंग इट, मैं किरदार नहीं कहानी बनना चाहती हूँ. बिकॉज जो किरदार होता है ना, जो कैरेक्टर होता है, इट्स बाउंड बाय ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, टैग्स एंड लेबल्स. एंड आई डोंट लिव फॉर दोज लेबल्स एनी मोर जो मुझे चार लोग आके बताते हैं या देते हैं. I live for myself. I have to be true to myself. I have to be my own authentic version. That's where my power comes from. तो किरदार न बन के मैं कहानी की तरह फ्लो करना चाहती हूँ. I want to embrace the plot twists. I want to give life a chance. I want to venture out in uncharted territories. Turn the page. Move on. और ऐसा नहीं है कि
इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ गिव अप करना है. यू जस्ट हैव टू एम्ब्रेस लाइफ एज इट कम्स. खुले बाहों के साथ जिंदगी से मिलिए, और जब कुछ खुद के मुताबिक ना हो तो बहुत ग्रेसफुली उसे जाने दीजिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट मैजिक अवेट्स यू नेक्स्ट. आई डोंट नो इस प्रोसेस में मैं अच्छी बनी हूं या खराब बनी हूं, वेदर आई एम स्टिल अ गुड गर्ल और नॉट, बट आई डोंट सफर फ्रॉम द गुड गर्ल सिंड्रोम एनी मोर. मैं एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए नहीं जीती हूं. इतना सेल्फ लव कल्टीवेट कर लिया है कि मैं खुद के लिए इनफ हूं. सुबह उठती हूं तो ग्रैटिट्यूड के साथ उठती हूं. एक इतनी डार्कनेस, एक एरा ऑफ डार्कनेस क्रॉस करने के बाद आई हैव कम टू अ पॉइंट वेयर आई रियलाइज कि मैं हमेशा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकती हूं. अगर इयर्स एंड इयर्स तक आपकी लाइफ में कहीं लाइट नहीं आ रही है तो ये सिग्नल है, मे बी यू आर सपोज टू बी दैट लाइट इन दैट जोन. सो यू बिकम लाइट, एंड दैट इज व्हाट आई डू, एंड दैट इज व्हाई पॉपुलरली अ लॉट ऑफ यू रेफर टू मी एज दी सनशाइन गर्ल, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. बहुत मेहनत लगी है खुद को ये बनाने के लिए. आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ डार्कनेस एंड आई डिड नॉट लेट इट बिकम अ पार्ट ऑफ मी. आई लिव एवरी डे लुकिंग आउट फॉर ग्लिमर्स, छोटी छोटी चीजें दैट स्पार्क्स माई हैप्पीनेस. जैसे मैं चांद देख के खुश हो जाती हूँ, और चांद देखना तो यार रोज मिल ही जाता है, जिस दिन नहीं मिले तो उस दिन तारे देख के खुश हो जाओ. और अगर चांद और तारे दोनों ही नहीं है, बादल छाए हैं, तो कोई नहीं, उस बादल में हाथी और घोड़े देख के खुश हो जाओ. बट खुश रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और खुद को खुश तुम तभी रह पाओगे जब तुम खुद के साथ सच और एक निष्ठापूर्वक मन के साथ डील कर रहे हो. यू आर नॉट ट्राइंग टू बी समवन एल्स, यू आर नॉट ट्राइंग टू फेक और फिट इन समवेयर एल्स, यू आर जस्ट बीइंग यू. यू लेट लाइफ हैपन थ्रू यू. इन दैट प्रोसेस I can't judge if I'm still a good girl or a bad girl, but I'm definitely a bold girl. Last 10 years have taught me how to make tough choices, and I'm very proud of the choices I've made. I may still not know ki gold roti kaise banayi jati hai, but mujhe pata hai ki itihas kaise banaya jata hai. Har ladki gold roti banane ke liye paida nahi hoti hai, kuch itihas banane ke liye bhi paida hoti hai, aur unhe unka chance hame dena chahiye. जो लड़की दिल टूटने से इतना डरती थी कि नहीं भाई मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, आई कांट फॉल डाउन, आई कांट फेल, आई हैव इवॉल्व्ड इनटू समवन हु हैज सच अ बिग हार्ट कि ठीक है यार थोड़ा सा टूट भी जाए तो क्या फर्क हो जाएगा, फिर से जोड़ लेंगे. आई ट्रस्ट माई विंग्स, अगर गिर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर से उठ जाएंंगे. एंड आई सोर हाई अप इन द स्काई, आई राइज लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम द एशेस, एंड दिस टाइम आई टेक 10 अदर पीपल विद मी. I have it in me to uplift people and empower people. This is what I have achieved. This is what I have become in the last 10 years. और वो लड़की जो academically अपने grades में और external validation से अपना power derive करती थी और सोचती थी कि my mind is my biggest strength, navigating through life she has come to realize no, it's my heart. My heart is my biggest strength. And love is my superpower. No one can love like me. I slam my heart into people and places and stories and cities. Like full dil se jeena hai, shiddat ke saath. Aur uske baad agar nahi hoga, to theek hai, dekh lenge. Next cheez mein fir se dil lagayenge. So it's never final in life, you know. You always have to look forward. There are things awaiting you. You're made for greater things. You have a higher calling. You have a greater purpose. You just have to figure out ki wo tumhare liye kya hai. Your mind will only take you till logic, but your heart will take you to magic. And that magic is found in uncharted territories. So give your chance to travel through those uncharted territories. Jab tak us realm mein utroge nahi, tab tak pata kaise chalega ki magic ho sakta hai ya nahi ho sakta hai. And trust me, magic hota hai. It happened to me and it will happen to you. So on that note, follow your heart. It will take you to magical things. Follow your gut. Chase your dreams. And don't think ki char log kya kahenge. Shiddat se zindagi jiyo. Because installments mein zindagi jeene mein koi maza nahi hai.